आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है भजन संहिता 92। यहुवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहुवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहुवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएँ बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टट के तेल से चुपड़ा गया हूँ, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहुवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहुवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं।